Hello friends, welcome back to the channel BSS, that is Biology Sample Solution. Today we're going to talk about the transpiration chapter part 3. In this video we'll end the chapter, just because this is the last video of this chapter, and here we'll talk about the lots of experiment and everything of this chapter or this video. Ke har ek question ko aur har ek topic ko bhi ekdam dhyan se dekhenge taki aapko samajh mein aaye. To let's get shuru karte hain. तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले लास्ट वीडियो क्वेश्चन को जानना जरूरी है. तो इसके लिए लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके आंसर अगर आपने दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए हैं तो भी अच्छी बात है क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर. हियर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट. प्लांट में अलग अलग किस टाइप के ट्रांसपिरेशन और कौन कौन से होते हैं. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी और बताया भी था कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रांसपिरेशन कौन कौन से हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन से ट्रांसपिरेशन है. जो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. तीन तरीके के ट्रांसपिरेशन है, इनके नाम याद रख लीजिएगा कौन कौन से, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड यो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है, समझ आया. एंड हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज ट्रांसपिरेशन इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स. प्लांट्स के लिए जो ट्रांसपिरेशन है वो इम्पॉर्टेंट कैसे है और क्यों है. ठीक है, लेट्स सी व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट. The process of transpiration keeps the cell turgid. Transpiration जो होता रहता है वो cell को turgid रखता है. ठीक है, cools the surface of the leaf. जो leaf का जो surface होता है उसे ठंडा करता है during daytime, just because the intense light is present. Okay, and helps in the movement of minerals from the soil to different part of the plant. और ये help करता है transpiration, ताकि plant अपनी root की help से minerals को जो absorb किया है वो पूरे plant में या जो भी लीव्स में फूड फॉर्मेशन हुआ उसका, या कह सकते हो कि जो रूट ने एब्जॉर्ब किया उसको पूरी प्लांट बॉडी में सर्कुलेट कराना. समझ आया, आ गया ना. ठीक है, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन. पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रांसपिरेशन के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि प्लांट अपने अंदर कौन सा एडेप्टेशन लाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो जाए ताकि एक्सेस वाटर लॉस ना हो. अगर अगर एक्सेस वाटर लॉस हुआ अगर आपके प्लांट में तो लीव्स गेट वेल. अंडरस्टैंड? ओके, हियर इज द फर्स्ट पॉइंट. मेनी प्लांट्स स्पेशली दोज व्हिच ग्रो इन अ ड्राई क्लाइमेट हैव इवॉल्वड अ वैरायटी ऑफ परमानेंट अडैप्टेशन. ओके, जो ऐसे प्लांट्स स्पेशली वो जो ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं उनके अंदर वैरायटी ऑफ परमानेंट अडेप्टेशन आ जाता है जो कि हमेशा उनके अंदर परमानेंट ही रहता है. ठीक है, तो उनके अंदर क्या है वो अडेप्टेशन परमानेंटली बना रहता है. ठीक, सम ऑफ दीज अडेप्टेशन आर एज फॉलोज. इनके अंदर जो अडेप्टेशन होती है उनके अडेप्टेशन को भी जानना जरूरी है कि प्लांट्स कौन कौन से अडेप्टेशन कर लेते हैं. तो सबसे पहला अडेप्टेशन है आपका संकेन स्टोमेटा. हाँ, संकेन स्टोमेटा मतलब ऐसा स्टोमेटा जो श्रंक कर जाए, श्रिंक कर जाए. अंडरस्टैंड? डायग्राम देखेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा कि व्हाट इज मीन बाय संकेन स्टोमेटा. पहले पॉइंट पढ़ते हैं कि ये पॉइंट कह क्या रहा है. ठीक है, संकेन स्टोमेटा इज अ स्टोमेटा. ठीक है, वो भी एक तरीके का स्टोमेटा ही है. इन अ स्मॉल पेट, एक छोटी सी जगह में, विच प्रोटेक्ट द स्केपिंग वाटर वेपर फ्रॉम एयर करंट डिक्रीजिंग वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ. ठीक है, तो वो क्या करता है कि प्लांट के अंदर वाटर का एवापोरेशन को रोक देता है ताकि प्लांट में वाटर लॉस थोड़ा डिक्रीज हो जाए और साथ ही साथ लीफ जो है वो अलाइव रहे. ठीक है, उनके अंदर लीफ जो है वो वेल्ट ना हो सके. संकेन स्टोमेटा आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स. ठीक है, जो हर प्लांट में बेसिकली देखने को मिल जाते हैं. इन एरिड एनवायरमेंट जहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन होती है, एज वन ऑफ देयर अडैप्टेशन टू प्रिजर्व वाटर. तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ड्राई कंडीशन होती है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है या ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है उन प्लांट्स में ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन, तो प्लांट्स गेट टू प्रिजर्व देयर वाटर फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, लेट्स सी दिस संकेन स्टोमेटा विद द डायग्राम. लेकिन फर्स्ट विल टॉक अबाउट योर नैरो लीफ. ये भी दूसरा एक तरीके का अडैप्टेशन है. आई विल सी द डायग्राम ऑफ संकेन स्टोमेटा आफ्टर दिस. द नैरो लीव्स
जो होता है वो आपके नेरियम एक प्लांट है, उसके अंदर नैरो लीव्स होते हैं, जो एज यू कैन अंडरस्टैंड द सरफेस एरिया ऑफ अ प्लांट गेट रिड्यूस, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ या सरफेस साइज ऑफ द प्लांट लीव्स गेट रिड्यूस, ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन रेट थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। एंड द थर्ड इज लॉस ऑफ लीव्स, ठीक है। लॉस ऑफ लीव्स का मतलब हुआ कि प्लांट में लीव्स गायब नहीं हो जाएंगे, एज यू कैन सी द कैक्टस, ठीक है। जैसा कि आप कैक्टस देखा है, जानते हो, ठीक है। तो कैक्टस में क्या होता है, लीव्स होती हैं बट द लीव्स आर मॉडिफाइड इन टू अ थॉर्न, ठीक है। स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे वो होती लीव्स हैं, उनका एडेप्टेशन हो जाता है ताकि मोर अमाउंट ऑफ वाटर या ट्रांसपोरेशन रेट को रिड्यूस कर सके और अपनी आपको सर्वाइव कर सके उस एनवायरमेंटल कंडीशन में। समझ गए ना, अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन इज थिक क्यूटिकल। कभी आपने सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स या ट्री होते हैं जो बहुत सालों तो जिंदा रहते हैं, दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स, लाइक 300-400 ईयर्स, 300 ईयर्स, है ना। ऐसा एक ट्री है जिसका नाम है बनियान। वो बनियान ट्री इतना ज़्यादा अडाप्टिव, मतलब अपने आप को अडाप्ट कर लेता है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि वो बहुत सालों तक अलाइव रहता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर थिक क्यूटिकल होता है, उनके जो लीफ होती है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल होता है। आप ध्यान से अगर कभी अगर आपको बनियान ट्री दिखता है तो उसका लीफ उठा के आप देख सकते हो, उसके ऊपर बहुत ही थिक क्यूटिकल और वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि अंदर एडाप्टेशन है ये ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करने का, ठीक है। Here is the sunken stomata maze. As you can see, this is the first image you can see ever. ठीक है, ये देखो, ये आपका स्टोमेटा है, दिख रहा है आपको? हाँ, ठीक है, ये है आपका स्टोमेटा। ठीक, थोड़ा सा और मैग्नीफाई करिए, यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा और पोर ऑफ स्टोमेटा। थोड़ा सा और मैग्नीफाई किया, दिस इज योर स्टोमेटा। अब इसके अंदर क्या होता है, एज यू कैन सी दिस इंडिकेट्स, हियर इज योर sunken stomata found. जो इनके बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, एंड द रिडक्शन ऑफ द स्पेसेस लीड्स टू द संकेन स्टोमेटा व्हिच डज नॉट अलाउ टू इवेपोरेट वाटर फ्रॉम लीफ, ठीक है, उसको अलाउ नहीं करता, ठीक। हियर यू कैन आल्सो सी, एंड दिस इज अ मोर मैग्निफाइड इमेज ऑफ योर संकेन स्टोमेटा, यू कैन सी, देखो है यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर दिखा, दिस इज कॉल्ड योर संकेन स्टोमेटा व्हिच डज नॉट अलाउ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। मूव टू दी अनदर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अंदर जो अडेप्टेशन है उसकी जरूरत क्यों है, किस लिए है, क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट इज कूलिंग इफेक्ट। प्लांट्स में जब ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, व्हेनेवर द ट्रांसपिरेशन इज अकर इन अ प्लांट्स, इट लीड्स टू द कॉज कूलिंग इफेक्ट इन अ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर कूलिंग इफेक्ट होता है ड्यूरिंग डे टाइम जस्ट बिकॉज देर इज अ इंटेंस सनलाइट प्रेजेंट, दैट्स वाई जब ट्रांसपिरेशन होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उस टाइम पे बढ़ भी जाता है, उसके साथ साथ उनको कूलिंग इफेक्ट भी देता है, ठीक है। साफ साफ लिखा है, इवेपोरेशन रिड्यूसेस टेम्परेचर ऑफ लीफ सरफेस, ठीक है। लीफ सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। समझ गए ना, अंडरस्टैंड? ओके, हियर इज योर सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन, सक्शन फोर्स। एक ऐसा सक्शन फोर्स होता है जिसे सक करना कहते हैं ना, दैट is a kind of force called suction force. इसमें होता क्या है, transpiration is जो transpiration को help मिल जाती है sort of sap के लिए, ठीक है। अब basically है क्या, यहाँ पे एक suction of force create होता है और उसकी वजह से क्या करेगा, plant एक force generate करेगा और transpiration process या कह सकते हो ascent of sap carry out होता है। इसका मतलब हुआ कि plant water absorb करेगा, वो water और mineral absorb किया, वो पूरी plant body में सर्कुलेट हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर ट्रांसपिरेशन मोड। वाटर भी साथ साथ में होता है मिनरल्स के, दिस इज सक्शन फोर्स। एंड हियर इज द थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, मतलब प्लांट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किसका, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट का, वो भी किसका काम है, ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसपिरेशन टेंड्स टू ड्रॉ वाटर, मतलब रूट्स की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड जस्ट बिकॉज द वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू the tissue called xylem where the suction force या transpiratory force दोनों काम करते हैं, जिसकी वजह से water ऊपर conduct होता है, पूरी plant body में circulate या distribute हो जाता है, ठीक है। Here you can see, let's talk about this is all about your significance of transpiration. Basically इतना ही है, cooling effect, suction effect और distribution of water and mineral salt, तीन बहुत important है। और यही बेसिकली अगर पूछे भी गए तो इतने ही पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इज योर क्रिटेशियन एंड
ब्लीडिंग दोनों ही सिमिलर है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है. ब्लीडिंग गटेशन बहुत बड़ा डिफरेंस. लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट गटेशन. पहले हम गटेशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, गटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्लांट का जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक ड्रॉपलेट लाइक वाटर निकलना शुरू होता है. जैसे घास में होता है, घास में कभी कभी देखा हो जो ग्रासेस सिंपल ग्रासेस होती है उनके अंदर आपको गटेशन देखने को मिलती है. गटेशन इज ऑफन कन्फ्यूज विद अ ड्यू ड्रॉपलेट दैट कंडेंस फ्रॉम एटमोसफियर ऑन टू द प्लांट सरफेस. तो प्लांट सरफेस के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एटमोसफेरिक जो वाटर होता है वो भी थोड़ा सा उसके ऊपर कंडेंस हो जाता है और उसके अंदर से जो वाटर निकल गया है वो भी कंडेंस होकर एक वाटर ड्रॉपलेट फॉर्मेशन करता है. द लिक्विड ऑफ गटेशन कंप्राइजेज अ वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. उनके अंदर जो लिक्विड निकल के आता है उसके अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, विच मेनली इंक्लूड पोटेशियम एंड शुगर. उसके अंदर पोटेशियम और शुगर होता है, दो ही चीज होती है. याद रखना, कभी कभी पूछा था कि गटेशन के टाइम पे व्हेन द गटेशन इज अकर इन अ लीव्स व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इज रिलीज्ड. ठीक है, उसमें व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड इज फाउंड इन द लिक्विड ऑफ गटेशन. ठीक, तो दो चीजें हैं पोटेशियम एंड शुगर. क्या? पोटेशियम एंड शुगर. ठीक है, अ व्हाइट क्रस्ट रिमेन ऑन द लीव सरफेस. एक व्हाइट क्रस्ट बनी रह जाती है गटेशन से और प्लांट लीफ में बनी रह जाती है. अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. मैं अभी आपको डायग्राम में दिखाता हूं, लेकिन पहले दूसरी कंडीशन क्या कहती है वो भी देख लेते हैं. अंडर द कंडीशन वेयर द सॉइल इज फूल्ड, वेयर द सॉइल इज फ्लूडेड बहुत ज्यादा है एंड रेन वाटर एंड ह्यूमिडिटी इज हाई इन एटमोसफियर. बहुत ही ज्यादा ही दोनों चीजें, ह्यूमिडिटी रेन वाटर भी बहुत ज्यादा है. प्लांट रूट सिस्टम एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा पानी हो गया. मैंने कहा था कि कोई भी प्लांट अगर एक्सेस वाटर, इफ एनी प्लांट गेट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर इट लीड्स टू कॉज द विल्टिंग और येलोइंग ऑफ लीव. ठीक है, जिसके वजह से लीव जो है वो डेड भी हो सकती है, उनके अंदर वाटर लॉस, वाटर एक्सेस वाटर की वजह से वो विल्ट भी हो सकती है या प्रॉब्लम उनके अंदर आ सकती है, वो डिके होना स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, वहां से सकते टूट के गिरना शुरू हो सकती है. एज अ रिजल्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्स इन अ रूट. एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है दैट फोर्स वाटर अपवर्ड, जो वाटर को रूट से ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करता है, ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है पूरे प्लांट बॉडी में. हेंस द वाटर इन्वॉल्विंग अदर सॉल्युबल सेल्स कंपोनेंट इज फोर्स्ड आउट ऑफ द जाइलम प्रेजेंट इन द एपिथेलियम टिश्यू. जो एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर जाइलम सेल्स होते हैं उनकी वजह से उस जो उसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से सेल के अंदर जो भी वाटरी कंटेंट होता है या जो कंपोनेंट या वाटर सॉल्युबल सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो भी जाइलम के थ्रू बाहर निकल आते हैं. जबकि जाइलम का काम था क्या? वाटर एब्जॉर्ब करना, वहां से वो रिलीज. जाइलम नहीं, जो उसके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू है उससे निकल के आता है. ठीक है, समझ गया ना. अब लेट्स सी द गटेशन इमेज. यहाँ पर गटेशन देख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ये प्लांट का लीफ है. इस प्लांट लीफ में आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजेदार दिखाई देते हैं. ये हमेशा नहीं देखने को मिलता है, ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा. ज्यादातर आपको यू कैन सी दिस इन रेनी सीजन और विंटर सीजन. ठीक है, इन्हीं दोनों चीजें में आपको देखने को मिल सकता है. लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक इज कॉल्ड ब्लीडिंग. हियर वी टॉक अबाउट द ब्लीडिंग. द ब्लीडिंग इज एक्चुअली जैसे हमारे बॉडी में होता ना, थोड़ा सा स्क्रैच लग गया तो ब्लड निकलना शुरू हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ ब्लीडिंग इन अवर प्लांट ऑल्सो. ब्लीडिंग इज व्हेन अ सैप लीक फ्रॉम वुंड. ठीक है, सैप लीक्स फ्रॉम वुंड और प्रूनिंग कट ऑन अ ट्री. ठीक है, मतलब बाई चांस कभी कभी प्लांट्स में हम जब प्रूनिंग करते हैं, मतलब उसकी कटाई छटाई करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास जो टूल्स होते हैं उनकी वजह से उन्हें हार्म हो जाता है, चोट लग जाती है, और जिसकी वजह से उनके अंदर से कुछ लिक्विड रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लीडिंग. ठीक है, अदर टाइम्स अ क्यूपिडस फ्लो, एक मतलब लगातार फ्लो निकलना शुरू हो जाता है. एज यू कैन नो, आई थिंक यू ऑल यू नो अबाउट या हैव यू एवर सीन द इमेज ऑफ रबर ट्री प्लांट. उसमें थोड़ा सा स्क्रैच लगाया जाता है. ठीक है, प्रूनिंग करने के बाद उसको स्क्रैच लगाते हैं, उसके अंदर से जो लिक्विड निकल के आता है व्हाइट मिल्की लिक्विड जो होता है उससे रबर बनाया जाता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लीडिंग. लेट्स सी द इमेज ऑफ ब्लीडिंग. हियर यू कैन सी दिस प्लांट रिलीजेस अ काइंड ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, ये ऐसे इसलिए रिलीज कर रहा है ये प्लांट क्योंकि इसके ऊपर क्या हुआ, वंड हुआ, मतलब इसको चोट लगी है. ठीक है, क्या हुआ, बोन्स हुआ है, चोट लगी है, और या कह सकते हो कट हो गया या कुछ स्क्रैच लग गया जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग कर रहा है. दिस इज कॉल्ड योर ब्लीड.
ठीक है, ये इस टाइप पे ऐसे ही होता है जैसे हमें चोट लगती है वैसे प्लांट को चोट लगती है, तो मैं भी ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। ओके लेट दिस इज ऑल अबाउट योर दिस वीडियो एंड विल टॉक अबाउट दी इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट चैप्टर विद अ फ्रेश टॉपिक एंड दिस इज द एंड ऑफ योर वीडियो। लेकिन 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 जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर इस वीडियो में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट भी करें ताकि हमें पता तो चले आप मेरी वीडियो देखते हैं। ओके लेट्स मूव टू द पॉइंट एज योर द वीडियो क्वेश्चन। और एक्चुअली आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या कह सकते हो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस के बारे में पूछा है। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड ब्लीडिंग दोनों के बीच में, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवैपोरेशन। दो क्वेश्चन है, दोनों के बारे में लिखना, अगर आता है तो अपनी कॉपी में लिखिए, और साथ ही साथ अगर शेयर करना चाहते हो तो एक पॉइंट का डिफरेंस लिख के आप कमेंट में भी दे सकते हो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको भी आता है, आपने भी कुछ इस वीडियो से सीखा है। दैट्स फॉर टुडे, और आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में आपके साथ एक नया चैप्टर और फ्रेश चैप्टर के साथ मिलूंगा। तो आज के लिए खुदा हाफिज़, और साथ ही साथ हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग।